हाय, आई एम सुष्मिता बनर्जी। ये दुनिया इतनी बड़ी है और हर सेकंड में नए नए इन्फॉर्मेशन बढ़ते रहते हैं। ऐसे में हमारा छोटू सा दिमाग कैसे इतना कुछ याद रखेगा? काश हम सब कुछ जल्दी जल्दी याद कर पाते, काश कोई मैजिक होता। तो मैजिक है ना? आज मैं आपको 5 क्रेजी ट्रिक्स बताने वाली हूँ, जिससे कि आप किसी भी चीज़ को कम समय में और आसानी से याद रख सकते हो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले लेट मी टेल यू, पिछली बार मैंने इंट्रोवर्ट्स के पावर के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। अगर आप एक इंट्रोवर्ट हो या आपको लगता है कि इंट्रोवर्ट होना बहुत बुरा होता है, तो आपको वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट हैक इज़ च्युइंग गम। पहले वाला पॉइंट ही इतना क्रेजी है, तो सोचो आगे क्या होगा। दोस्तों, 2009 और 2011 में कुछ लोगों पर एक टेस्ट किया गया था, जिससे पता चला कि च्युइंग गम चबाने से हमारा स्ट्रेस कम होता है, एनर्जी आती है और इसलिए हम किसी भी चीज़ को और भी अच्छे से याद रख पाते हैं। अगर आप क्रिकेट देखते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे प्लेयर्स खेलने के वक्त च्युइंग गम चबाते हैं। वाटर गाइस, पानी पीने से चीज़ें याद रहती है, ये आप में से कई लोगों ने सुना होगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये बात बिल्कुल सच है। पानी हमारे ब्रेन को चीज़ों को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है, इसलिए अगर आप एग्ज़ाम के बीच में पानी पीते हो तो आपका ग्रेड 10% ज़्यादा बढ़ने का चांस है। म्यूज़िक एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो हमें किसी भी चीज़ में कंसंट्रेट करने में हेल्प करती है। लेकिन गाइस, अगर आप पढ़ाई के टाइम सॉन्ग सुन रहे हो तो उसका बुरा असर भी हो सकता है, क्योंकि आपके दिमाग में गाने के लिरिक्स भी जा रहे हैं। तो अगर आप विदाउट लिरिक्स के म्यूज़िक प्रेफर करो पढ़ाई के टाइम, तो वो बहुत ही अच्छा है। पिक्चर दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि बुक में क्या लिखा होता है वो हमें याद नहीं रहता, लेकिन बुक में कौन सी पिक्चर थी वो हमें याद रह जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको कोई भी चीज़ बहुत हार्ड लग रही है, याद नहीं हो रहा, तो आप उसे पिक्चर की मदद से याद रख सकते हो। लिंक विथ योर इंटरेस्ट, ये वाला पॉइंट मेरी फेवरेट है और काफ़ी मज़ेदार भी है। दोस्तों, आप जो भी सीख रहे हो उससे आपका जो इंटरेस्ट है उसे लिंक कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको म्यूज़िक बहुत पसंद है, तो बहुत पहले एक ऐड था साबुन का, उसमें एक गाना था, दम दमम दम्बर दमक दमक दम्बर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर। तो इस सॉन्ग के मदद से आपको आसानी से याद रहेगा कि बाबर का बेटा कौन था और उसका बेटा कौन था। सॉरी अगर आपके कान पक गए हो तो, पर मैं बस आपको एग्जांपल दे रही थी। तो इस टेक्निक को यूज़ करके देखना, आपको फट से याद हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की 5 क्रेजी ट्रिक्स, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है। तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सारे टेक्निक्स यूज़ करने हैं, जो भी आपके लिए ज़्यादा सुइटेबल हो आप उसे फॉलो कर सकते हो। पढ़ाई करना इज सो बोरिंग, कुछ तो फन चाहिए। अगर कम समय में आसानी से याद रखना चाहते हो तो आपको बस कुछ क्रेजी ट्रिक्स चाहिए। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो एक लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूसडे को। गुड बाय एंड लर्न फास्टर।